योग स्वास्थ्य का मूल आधार है, छोटे से जीवन का महान विस्तार है। योग की पूर्णता को जाना जिसने, उसी के लिए सर्व सुखों से भरा संसार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर योग के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा दुनिया को प्राचीन भारतीय कला के बारे में अवगत कराने के लिए भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल ऑफ साइंस एंड नेचुरोपैथी श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून से सह प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद रियाल जी एवं डॉक्टर बीजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में यह कार्य सफलता के साथ लेग्स आपस में क्लोज करिए और अपने एंकल को फ्लैट कर दीजिए। चलिए आपको सिर्फ अपने ऊपर बैठानी है ना, वन इनहेल अप, हल्का सा एल्बो को, हल्का सा उठाएंगे एल्बो को, ये पोशन। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में अपने संबोधन के दौरान की गई थी। 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 6 7 बैक पे हंच नहीं बनेगा, बैक स्ट्रेट रहेगा। आपकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज पेलिक बोन के लिए, पेलिक बोन जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं, उसकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज महिलाओं के लिए है, हिप बोन के लिए। करिए, कोशिश कीजिए, टच करिए, हाँ टच करिए। वो आसन आता है कॉन्सेंट्रेट के लिए, अगर आपका ध्यान पढ़ाई में लग रहा है बच्चों के लिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है, एंगर है, क्रोध है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हमारी है वृक्षासन। आप किसी भी लेग्स को राइट या लेफ्ट पर थाई पर रखिए, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए, इनका बिल्कुल पावर सही है, वो अपने आप को क्लोज करेंगे, क्लोज योर आईज। अगर आपको लगता है कि आप आकर नहीं कर सकते हैं, एक कोशिश कीजिए। योग शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द युग से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, किसी भी वस्तु से अपनी को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना। योग एक अद्भुत प्रकार का व्यायाम है जो शरीर और मन दोनों को नियंत्रण में रखता है। वेरी गुड, रिलैक्स, लेग्स, 8 9 10 ओके रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन, इनहेल, एक्सहेल। महान विस्तार है, योग की पूर्णता को जाना जिसने, उसी के लिए सर्व सुखों से भरा संसार है। सुप्रभात सभी को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिवस की शुभकामनाएं। मैं लीला रेड्डी विद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ योग सह प्राध्यापक डॉक्टर बीजेंद्र सिंह, स्कूल ऑफ योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून से हमारे विद्यालय में पधारे हैं। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आत्मवंदन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मध्य हमारे विद्यालय के योग्य एवं कर्मठ आदरणीय प्रधानाचार्य श्री अनिल मंगई जी, विद्यालय के सम्मानित शिक्षक एवं प्यारे विद्यार्थी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है।
मित्रों पवन मुक्तासन नी को बैंड करेंगे। चलिए इंटरलॉक लगाइए नी को। हाँ, अब बॉडी को अपडाउन करेंगे। करिए स्टार्ट, 1 2 3। पूरी बैक को लंबर से लेकर सर्वाइकल तक, C1 से लेकर आपको L5 तक करना है। नीचे सैक्रम भी है, कॉरेक्स भी है, वहां भी जाना है आपको। पूरा करिए। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता में भी लिखा है, योग स्वयं ही स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। तो आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं और इस जीवन को सफल बनाएं। फेस स्माइल। चलिए आइए आइए ऊपर आइए। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड बच्चों, करो द बेस्ट आप लोगों के लिए। अब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर हमारा फिर बैक पेन के लिए है और थायराइड के लिए, अगर आपको हाइपो है या हाइपर है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है या वेट घट रहा है, अगर आपकी बॉडी में टी4 हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसके सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हमारी जो अगली है वो हमारा कैमल पोज है, उष्ट्रासन। देख लीजिए आप डेमो। आपको अपने हीज को पकड़ना अपने दोनों हाथों से और हेड आपका ड्रॉप रहेगा। चलिए अब आप भी करेंगे स्टार्ट। इनकी बैक पेन उनके सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, अपनी कमर पर हाथ रख के करिए। नी को स्ट्रेट, नी ज्यादा बैक पेन है, ज्यादा मत जाओ। चलिए रिलैक्स करिए आप जितना हो सकता है, कोई बात नहीं। बाकी लोग करिए, चलिए इधर बच्चे करिए। हाँ एवं सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण प्रधानाचार्य श्री अनिल ममगई जी, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। सभी ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। सभी ने प्रण किया कि अपने जीवन में हर रोज योग को अपनाएंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे। हर व्यक्ति को योग का महत्व समझना चाहिए। कहा भी गया है कि योग को अपनाओ, रोगों को दूर भगाओ। पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।